rescue team. There is no word to define them actually, because they are really a people, a person. I hope you people have even seen them, like this kind of entire team ever in the society or in your areas or wherever you can see. They are the people, they never see the timing, they never see their personal lives, whatever. Whenever one just call gives them, just run, just run. They even don't think about the hunger or whatever, their personal time, nothing. If you give a call and you have any kind of difficulties in your area or in your society, whatever, they will rush and help you out. They are the team, apart from the like we can say that military and the forces, jisko bolte hain. They are fighting for us, for the nations, but they are fighting here for us, for our life even, because in society we need this type of people. So I would like to give a round of applause for these people to welcome on the stage. They are really wonderful. They are not good for the even for the human lives, but apart from the animal life. I hope ki there are many people, those who don't know about the human lives, this animal life, but these people can define you what is the life of the animals. They live with them, they help them, they support them, they give life, they give shelters whenever you call them. I don't think so there are the normal people who are looking after the animals. There must be rare people, because aaj ke zamane mein to log insano ko bhul jate, janwar kya cheez hai bechare, correct? This is not a dialogue, it's a real. So only this our rescue team can do that. आप कभी भी इनको बुलाएंगे, रात को, दिन को, कभी भी, ये हमेशा तत्पर रहते हैं. मुकेश भाई, who is the commando leader of our team, इनके बारे में भी अगर बोलने जाए तो शायद पन्ने खत्म हो जाए, सुबह से रात हो जाए, आप बोर भी नहीं होंगे. इनका ये पैशन है, मैं इनसे जब मिली ना तो मैं भी इतनी इंस्पायर्ड हुई हूँ ना कि मैंने बोला मुझे आपकी टीम में ज्वाइन होना है. Being very busy schedule, I thought I want to join, because even I love the animals. तो और उनका जो डेडिकेशन है, मैंने बोला आप डरते नहीं हो, बोले नहीं मैं सिर्फ इनके लिए जीता हूँ. और ये एंटायर टीम, जितनी भी यहाँ पे यंगस्टर्स भी हैं, लेडीज हैं, सर भी हैं, मतलब ये हमेशा तत्पर रहेंगे, हमेशा तत्पर रहते हैं. आंधी हो, तूफान हो, आग लगी हो, जंगल में जाना है, कहीं भी. मैंने बोला एक दो बार मुझे भी आना है आपके साथ में, और मुझे भी देखना है लाइव प्रैक्टिकल, क्योंकि कभी मतलब देखा नहीं इसके लिए. तो अभी तो हम इनको सिर्फ इंस्टा पे देख रहे हैं, और इनको फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं. आप लाइव आके देखिए, यू पीपल नीड रियली दिस काइंड ऑफ टीम, बिकॉज आज की आप लोग यंग जनरेशन हैं, जिनको हम लोग का तो क्या है, टाइम ठीक है, गोइंग ऑन, बट यू पीपल नीड, आप सीखोगे, लोगों को सिखाओगे और इनसे जुड़ोगे, तो आप अपनी लाइफ को खुद चेंजेस ले आ सकते हो अपनी लाइफ में, और वो बहुत जरूरी. अपार्ट फ्रॉम द स्टडी, अगर हम अपने बारे में, अपने बोलते हैं सोसाइटी के बारे में जानवर हैं, लोगों के हेल्प की जरूरत है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, टू हेल्पिंग ईच अदर, जो इनके पास है. मुकेश भाई ने बहुत मतलब इन्होंने इसके लिए इतने ज्यादा डेडिकेटेड हैं, उनको और कुछ दिखता भी नहीं है, मतलब सिर्फ वो उनके टॉपिक है. उनको चाय पीने के लिए आप बुलाएंगे वो नहीं आ सकते हैं, इतने बिजी रहते हैं. अभी उनको 10 फोन आया होगा कहीं ना कहीं रेस्क्यू करने के लिए, ही विल रश ओवर देयर. सो यू पीपल आर वेरी लकी कि आज हमारी टीम यहाँ पे आपको खड़े होकर के मतलब इतने सारे नॉलेज दिया, प्रैक्टिकल ऑल्सो वी आर गोइंग टू गिव. और आपके पास जो भी क्वेश्चन हो, प्लीज बी फियरलेस, यू कैन आस्क, यू कैन ज्वाइन अवर टीम एनी टाइम. आप संडे का समय दे सकते हैं, संडे क्लासेस भी चलती है हमारी वहाँ पे चनौत में. हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसको है ना मेन जोन में लेकर आए, जहाँ पे सब लोग रिचेबल रहे. सो वी आर सर्चिंग फॉर दैट काइंड ऑफ ग्राउंड, और इन्हें मतलब ऐसा कोई स्पेस मिल जाए, बड़ा गाला टाइप, जहाँ पे ये बच्चों को हम संडे को एक ट्रेनिंग दे सकें. सो कि क्योंकि सर की एक लिमिटेशन टीम रहेगी, तो जितने जुड़ेंगे तो वो हर एक जगह पहुंच सकेंगे ना, ऑल ओवर द इंडिया. हम तो